तो इधर मैं बात करूंगा एशिया कप 2023 में इंडिया की बेस्ट पॉसिबल स्क्वाड क्या हो सकती है उसके बारे में। तो स्क्वाड बनाते टाइम मैंने दो कंडीशंस का ध्यान रखा है। फर्स्ट था कि केएल राहुल एंड श्रेयस अय्यर अवेलेबल नहीं होंगे, एंड सेकंड ये कि जो स्क्वाड होगी वो 15 मेंबर्स की होगी। तो स्क्वाड को मैंने चार कैटेगरीज में डिवाइड करा है। जो फर्स्ट कैटेगरी है वो है बैटिंग की, तो उसमें मैंने इंक्लूड करा है रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली एंड तिलक वर्मा को। तो तिलक वर्मा को इंक्लूड करने का मेजर रीजन ये था कि सूर्य कुमार यादव का फॉर्म, लेकिन जो रीसेंट फॉर्म है सूर्य कुमार यादव का इन ओडीआई क्रिकेट वो इतना अच्छा नहीं है। तो लास्ट 10 इनिंग्स में सूर्य कुमार यादव ने कुछ 13 के एवरेज से स्कोर किया है इन ओडीआई क्रिकेट। तो तिलक वर्मा को ओडीआई स्क्वाड में इंक्लूड करने का मेरा एक रीजन ये भी था कि टीम इंडिया को मिडल ऑर्डर में एक लेफ्टी बैट्समैन की काफी दिनों से जरूरत थी। आई थिंक वो नीड अब तिलक वर्मा फुलफिल कर सकते हैं। अगर आपको 2007 T20 वर्ल्ड कप, 2011 ODI वर्ल्ड कप और 2013 चैंपियंस ट्रॉफी की अगर स्क्वाड्स याद होगी, तो मोस्टली जो प्लेइंग 11 रहती थी उसमें टॉप ऑर्डर में एक लेफ्टी रहता था एंड मिडल ऑर्डर में दो लेफ्टी जरूर रहते थे। तो उससे क्या होता है कि बैटिंग में एक वैरायटी भी आ जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस स्क्वाड के मिडल ऑर्डर में अगर तिलक वर्मा और रविंद्र जडेजा रहेंगे तो काफी अच्छी बात हो सकती है ये टीम इंडिया के लिए। तो अब हम चलते हैं अपनी दूसरी कैटेगरी की तरफ जो कि है विकेट कीपर्स की। तो उधर मैंने सिलेक्ट किया है ईशान किशन एंड संजू सैमसन को। तो ईशान किशन इसलिए बिकॉज ओडीआई क्रिकेट में काफी अच्छी परफॉर्मेंस रही है एंड संजू एज अ बैकअप विकेट कीपर। तो अब हम देखते हैं अपनी थर्ड कैटेगरी जो की है ऑलराउंडर्स की। तो यहाँ पे मैंने इंक्लूड करा है हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा एंड शार्दुल ठाकुर को। तो अब हम चलते हैं हमारे फोर्थ एंड लास्ट कैटेगरी की तरफ जो कि है बॉलिंग डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे मैंने 5 बॉलर्स को इंक्लूड करा है, उनमें से 3 फास्ट बॉलर्स हैं एंड 2 स्पिनर्स हैं। तो फास्ट बॉलर्स हैं जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शामी एंड मोहम्मद सिराज, एंड स्पिनर्स हैं यूजी चहल एंड कुलदीप यादव। तो ये थी मेरी एशिया कप 2023 की स्क्वाड। आई होप आपको पसंद आई होगी। तो आप भी कमेंट्स में अपने ओपिनियंस और अपना स्क्वाड बता सकते हो कि इंडिया को कौन से प्लेयर्स को इंक्लूड करना चाहिए या फिर किन्हें ड्रॉप करना चाहिए। तो ऐसे ही क्रिकेट रिलेटेड डिस्कशन के लिए आप क्रिक्षक को जरूर से फॉलो करना।